For the first time in history, Pro Wrestling comes to Pakistan with main events all over the country. PWE Pro Wrestling Entertainment Pakistan. कराची में रेसलिंग का आलमी मेला सज गया। टीएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुकाबलों में चार खवातीन समेत 25 गैर मुल्की रेसलर्स शरीक। एक्शन से भरपूर मुकाबलों से लुत्फानंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन की आमद। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं इवेंट टीएमसी के तावन से हो रहा है, कराची को आगे लेकर जाना है तो ऐसे मजीद इवेंट्स कराएंगे। आलमी अदालत भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण के मुतालिक फैसला आज सुनाएगी। वकीला के दलाल के बाद महफूज किया गया फैसला सुपहर 3 बजे अवामी समात में सुनाया जाएगा। बलूचिस्तान से पकड़े गए जासूस कुलभूषण की सजा के खिलाफ भारत ने दरख्वास्त दी, वकीला ने भोंडे दलाल पेश किए। पाकिस्तान इस मामले में आलमी अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर चुका। पाकिस्तान ने कली जहांगीर और कली लुकमान में तैनात फौज हटाने का अफगानिस्तान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पाक अफगान हुकाम की चमन में वन स्टार बॉर्डर फ्लैग मीटिंग। ISPR के मुताबिक अफगान हुकाम को बता दिया कि पाक फौज पाकिस्तानी इलाके में तैनात है। मुकम्मल इत्तफाक राय तक दोनों वफूद ने सीज फायर पर इत्तफाक किया। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद कराची की सड़कों पर ट्रैफिक का रश। अंदरूनी मुल्क सामान की तरसील शुरू हो गई, बड़ी तादाद में गाड़ियां पोर्ट पहुंच गईं। पुलिस ने ट्रांसपोर्टर्स के लिए सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। बरतानवी हुकाम ने मुनशियात स्मगलिंग में PIA अमले को क्लियर कर दिया, तमाम अरकान के पासपोर्ट वापस। इधर हेरोइन बरामदगी के मामले में तहकीकात मुकम्मल। तैयारे में मुनशियात मुमकिन तौर पर कराची में रखी गई। मेहताब अब्बासी कहते हैं GIT बनाएंगे। इरफान इलाही बोले जहाज में कुछ था या नहीं कुछ नहीं कह सकते। उस्ताद बना जल्लाद। चिश्तिया में मदरसे के उस्ताद का तालिबे इल्मों पर वहशियाना तशद्दुद। मदरसे में उस्ताद के बच्चों पर तशद्दुद की CCTV फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस की कार्रवाई, मुल्जिम सईदी को गिरफ्तार कर लिया। आसिफ जरदारी के एक तीर से 3 शिकार, कप्तान पर चढ़ाई शेर निशाना कमाल को ललकार। बोले सुनामी वालों ने जो तबाही लाए वो सब देख रहे हैं। शेर दरिंदा है, हर चीज खाना चाहता है। मियां साहब खुद कह रहे हैं कबूतर खाएंगे। PSP जमहूरी जमात नहीं है, आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जीतेगी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। PSP का आसिफ जरदारी पर जवाबी वार, सिंध का गॉड फादर दे दिया करार। अनीस एडवोकेट कहते हैं आसिफ जरदारी और बानी मुतहदा की जहनी हालत एक जैसी है, वो भी किसी को नहीं मानते, ये भी किसी को नहीं मानते, अपने सामने किसी को टिकता नहीं देख सकते। जरदारी सिर्फ करप्शन करना जानते हैं। लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग, खिलाड़ियों का मीटर घूम गया। पेस्को हेडक्वार्टर्स पर चढ़ाई, गेट पर धरना दिया। मुजाकरात कामयाब होने पर एहतजाज खत्म किया। उधर पीपल्स पार्टी का लोड शेडिंग के खिलाफ नवाबशाह में धरना, बड़ी तादाद में जियालों की शिरकत। निसार खोड़ो बोरे साबिक दौर में मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज करने वालों के लिए डूब मरने का मकाम है। कराची में फायर ब्रिगेड किसी की मदद करने की बजाय खुद मदद का तलबगार। आग बुझाने वाले 48 फायर टेंडर्स में से 39 बेकार, सिर्फ 9 काम के काबिल रह गए। सिंध हुकूमत और मेयर कराची दोनों ने सूरत हाल पर खामोशी कर ली इख्तियार। स्पॉट फिक्सिंग, मोहम्मद नवाज 1 माह के लिए फिक्स। PCB ने 2 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया। बुकियों के राब्ते पर ताखीर से इत्तला देने का इल्जाम था। कानूनी मुशीर तफजुल रिजवी कहते हैं शर्जील खान पर भी बुकीज के प्लान पर अमल करना साबित हो गया। बोर्ड ने उमर अकमल और जुनेद खान को बयानबाजी पर जुर्माना कर दिया। रहीम यार खान में नई नवेली दुल्हन के अगवा पर शहरियों का भैंस के आगे बीन बजाकर एहतजाज। अगवा का इल्जाम सुबाई वजीर और बेटे पर लगा दिया। मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी। ट्रंप की मुश्किलात बढ़ गई, मुआखजे की तहरीक जोर पकड़ने लगी।
सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी ने जेम्स कोमे को हसास दस्तावेजात समेत बुला लिया। FBI के बरतरफ डायरेक्टर से ट्रंप के साथ मुलाकातों की तफसीलात भी तलब। इंसानी हुकूक तंजीम का भी इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। हालिया स्कैंडल की वजह से अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी। और बख्तावर भुट्टो का पंच पावरफुल, आसिफा की रफ्तार तेज है। आमिर खान कहते हैं दोनों अच्छी बॉक्सर बन सकती हैं। बख्तावर उनकी और अहलिया की अच्छी दोस्त हैं। पाकिस्तानी नजाद बरतानवी बॉक्सर ने जहलू में यतीम बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रख दिया। रिहाइश, खाना, तालीम और दीगर जरूरियात मुफ्त फराहम की जाएंगी।